प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल, सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक, आमीन। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आलेलुया।
सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्रसूत्र, प्रभु सर्वोच्च में प्रशंसनीय है, हालेलुया। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ का कटिबंध बांधे है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। प्रभु, बाढ़ की लहरें उमड़ रही है, बाढ़ की लहरें गरज रही है, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही है। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। प्रभु सर्वोच्च में प्रशंसनीय है, हालेलुया। अग्रसूत्र, प्रभु तेरी प्रशंसा हो और सदा सर्वदा तेरा गुणगान, हालेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो, आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो, वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो, ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो, प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो, पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए, पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो, मकर और जलचरगण प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो, इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ, प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो, धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो, हनन्या अजरिया और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। प्रभु तेरी प्रशंसा हो और सदा सर्वदा तेरा गुणगान, हालेलुया।
अग्रसूत्र स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। अलेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई, उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओलो, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, पर्वत और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है, उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है, उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सब के सब प्रभु की स्तुति करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। अलेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्र से निकालकर इसराइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। लघु अनुवाक्य। तू ख्रिस्त है, जीवित ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू ख्रिस्त है, जीवित ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है। तू ख्रिस्त है, जीवित ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। तू ख्रिस्त है, जीवित ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। जागरी गान अग्रसूत्र। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है,
जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। सामूहिक निवेदन। हम पिता से प्रार्थना करें, जिन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में नई ज्योति भरने के लिए भेजा। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति हम पर भेज दे। समस्त ज्योति का स्रोत तू धन्य है, सारी सृष्टि तेरा गुणगान करती है। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति हम पर भेज दे। तेरे पुत्र के पुनरुत्थान से संसार में ज्योति फैल गई। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा कलीसिया में तेरी ज्योति चमकती रहे। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति हम पर भेज दे। पवित्र आत्मा की ज्योति से चेलों ने यीशु की शिक्षा का स्मरण किया। उस आत्मा का वरदान कलीसिया पर बरसा, जिससे वह उस शिक्षा का योग्य पालन करे। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति हम पर भेज दे। हे प्रभु, समस्त राष्ट्रों की ज्योति, उन लोगों को अपने प्रकाशमय दर्शन दे जो अंधकार की छाया में रहते हैं। उनके हृदय खोल दे, जिससे वे तुझे अपना एकमात्र ईश्वर माने। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति हम पर भेज दे। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जो हम मांग सकते हैं और जिसे पाने के लिए हम योग्य है, उससे भी कहीं बढ़कर है हमारे प्रति तेरा प्रेम भरा उदार भाव। तू अपनी अनुकंपा की अपार निधि हमारे लिए खोल दे। जिन बातों को लेकर हमारी अंतरात्मा व्याकुल है, उन सब को क्षमा कर जिसे हम मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी तू हमें देने की कृपा कर। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। क्रिस्त के शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद।